मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 230 सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। 227 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक और बालाघाट जिले के 3 नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों परसवाड़ा, बेहर एवं लांजी में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है। आपको बता दें, इस चुनाव के लिए 1094 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 2899 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 2644 पुरुष, 250 महिलाएं एवं 5 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। पूरे राज्य में 65367 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 17000 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं, जहां केंद्रीय पुलिस बल और वेबकास्टिंग के साथ माइक्रो पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान के लिए ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। कुल 1,80,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें केंद्रीय और राज्य के सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में इस बार भी मुख्य रूप से बीजेपी एवं कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी का दावा है कि वह दिल्ली वाली अपनी सफलता को राज्य में दोहराएगी, जहां 2015 के विधानसभा चुनाव में उसने कांग्रेस और बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया था। बीजेपी ने सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 229 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कौन सी पार्टी की जीत होती है। आप भी अपनी नज़र बनाए रखिए।